मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी आम आदमी पार्टी नेता और पुलिस के बीच जमकर बहस हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नामांकन दाखिल करने पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित गुप्ता के साथ 5 लोगों को ही कलेक्ट्रेट गेट से अंदर जाने दिया, जबकि बीजेपी प्रत्याशी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ 10 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित गुप्ता और जिला अध्यक्ष अमित शर्मा से पुलिस प्रशासन की जमकर बहस हो गई। आप नेताओं ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के सामने खुला विरोध किया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप नेताओं ने बीजेपी पर निर्वाचन आयोग के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। लेकिन आगे से ऐसा काम होना नहीं चाहिए। मैंने पहले निवेदन दिया था आपसे, हम डरेंगे नहीं, हम बाकी में डरेंगे नहीं, हम आगे से पहले बुला रहे हैं ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी। हम तो मंडल में कोई दिक्कत नहीं है।